बाय बाय ये हम थोड़ा गाले आम करूं पड़े भना भाई, बाय भना भाई, भी बाय। सबसे जो पहले थे वही लास्ट में भना भाई, ठीक नहीं हुआ लेकिन काम चालू कर दिया। काम तो चालू करने का भाई, यहाँ पे पेट दर्द कर रहा है, थोड़ा दर्द कर रहा है, आंखें थोड़ी दर्द कर रही है। चलो चलो बाय। ठीक है, हाथ कैसे छुटाएगा देख। बूम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी भैया ब्लॉग अपलोड हो रहा है, उस पर जतिन का काम हो रहा है, उस पर भी जतिन का ही काम हो रहा है। ये देखो लैपटॉप की दुकानें लगी रहती है हमारे घर में, जो कभी कभी मुझे बहुत गलत लगता है। हमारी खुशियाँ छीन ली है इस लैपटॉप ने। पहले तो भैया ये होता था कि जब चैनल मोनिटाइज नहीं था तो अगर हम कोई कॉपीराइटेड सॉन्ग यूज़ करते थे, जैसे बॉलीवुड का, डी सीरीज का, किसी का भी, तो ऑटोमेटिकली कंटेंट आईडी ट्रैक होती थी और क्लेम आ जाता था। लेकिन अब मोनिटाइजेशन होने के बाद यूट्यूब वाले मैनुअली चेक कर रहे हैं मेरे ब्लॉग्स को। मतलब इतना टाइम है यूट्यूब के पास कि 2000 सब्सक्राइबर वाले ब्लॉगर्स को वो ऐसे ट्रैक कर करके कॉपीराइट क्लेम मार रहे हैं। क्या कमा लोगे मेरे से, 2-4 रुपये कमा के भी कहाँ जाओगे सालो? छोड़ दो हमें, तो छोड़ दो, कम से कम बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पकड़ो ना। ये भैया दिमाग इसलिए ख़राब हो रहा है आज क्योंकि सुबह उठाना तो YouTube की तरफ से 10-12 मेल्स थे बैक टू बैक ब्लॉग्स पे कॉपीराइट क्लेम मार रखे हैं। अब कमाना चालू हुआ तो ये कमाने देंगे नहीं। और एक बात ये कि आज मम्मी पापा गुजरात गए हैं तो अब कुछ दिन फैक्ट्री पे ड्यूटी लगेगी मेरी। मान 12 फरवानों चालू कर रहे तू अने पाचों बंद थी जाए, नहीं समझ आया होगा ना। कोई बात नहीं, वैसे हमारे घर में ट्रेंड है किसी ना किसी को गुजरात रहना ज़रूरी है। पहले बड़ी मम्मी गए वो आए, फिर मैं गया, मैं आया तो मम्मी पापा जा रहे। एक ना एक का रहना जरूरी है वरना गुजरात बुरा मान जाता है हमसे। कितना मीटर है ये भैया? 50 मीटर है। अरे उन्होंने 48 बोला था, चलो काट लो। तो भैया फैक्ट्री का काम निपटा के घर आया हूँ और थोड़ा सा काम होता है, थोड़ा सा मतलब इधर उधर होते हैं ना, दोपहर हो जाती है तो ठंड के दिन बहुत तेजी से निकलते हैं दिल्ली में, जितनी तेजी से लड़कियां धोखा देती है। खमन ढोकले मेरे दादी बना देती है, निकलो यहाँ से। खमन ढोकले तो मेरे दादी बना देती है, एकदम बढ़िया। अभी बनी है ढोकली की सब्जी, तो हम खाना खा लेते हैं। गुड इवनिंग। दोपहर को भैया मैं खाना खा के बाहर जा रहा था, मतलब वही मैंने व्लॉग बनाने, तो ये जो मिडल चेस्ट एरिया है ना ये वाला, यहाँ अचानक से दर्द उठ गया, मैं सो गया। और अभी उठे तो यहाँ घड़ी नहीं है, एक मिनट, 5:30 हो चुके हैं, 2 घंटे की नींद हो गई है। तो भैया अभी बाहर आया हूँ मैं, शाम हो चुकी है और अभी तो खास कुछ कंटेंट है नहीं, लेकिन एक अच्छा कंटेंट है, एक धार्मिक कंटेंट है कि वो स्वामीनारायण वाले होते हैं ना जो प्याज लहसुन नहीं खाते, उनका आज कुछ फंक्शन है यहाँ पे, शताब्दी महोत्सव कुछ है, पता नहीं कुछ कीर्तन टाइप है, थोड़ा सा एक नया कंटेंट मिल सकता है वहाँ पर, तो वहाँ भी चले जाएंगे अटेंडेंस लगाने। तो भैया वो जो सत्संग में जाना था, मुझे लगा सिर्फ सत्संग कीर्तन होगा, अरे नहीं भैया अंकुट भी है, अंकुट खाना वाना मिलेगा, तो प्रसाद लेने जाना है, प्रसाद में फ्रूटी लेनी है, तो फ्रूटी लेके आते हैं। स्कूटी तो है नहीं, अभी चल के ही जाते हैं। अरे अंडे नहीं चाहिए भाई, फ्रूटी चाहिए, लाओ लाओ। तो भैया शिव मंदिर जा रहे, जा चुके हैं, सब मुझे ही देखते रहते यार। ब्लॉगर भैया फेमस, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बूम।
इसीलिए उन्होंने इतना सुंदर समाज का कार्य किया था, आगे मुझे देखा सब स्वामी जी ने कार्य किया था। नारायण भाई सारा प्रसाद घर ले जाते हुए जो पसंद है वो ले जाओ। तो इस हिसाब से मैं फ्रूट उठा लेता हूँ। मारूंगा बहुत कहीं का भी हो। ओ ओ हरियाणा ठीक है, देख हाथ कैसे छुटाएगा देख। जय स्वामी नारायण मित्रों, हम सत्संग से आ चुके हैं और भैया थोड़ा सा खाना मैं खा के गया था, थोड़ी सी भूख फिर से लग रही है, तो हम पियेंगे दूध, धुआं निकलता हुआ दूध और साथ में रहेंगे बन। ठीक है, ये बन है जतिन की अब्दुल वाली सोडा शॉप है ना जो हमारी, वहां से आपको कुछ भी लेना, दूध दही घी मक्खन ब्रेड सब मिलेगा वहाँ पे, तो शाउट आउट टू जतिन सुपर स्टोर। ओके चलो भैया अब दूध बन खाएंगे और सो जाएंगे। तो भैया आज मम्मी पापा चले गए, तो अब ये पलंग मेरा है, ये रूम मेरा है और ये पूरा घर मेरा है, तो आज हम यहाँ सोएंगे, जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे मतलब तब तक इसी पलंग पे सोना है और इसी पलंग की नींदें पूरी करनी, इसी पलंग पे ब्लॉग बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय आप जो